हैं आज डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस एंड वेपर प्रेशर, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस। देखिए अगर मैंने आपसे पूछा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि सर हमारे 100 मार्क्स हैं, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन मैंने पूछा कितने में से, तो आप कहोगे सर 500 में से, तो गया काम से, आप तो फेल हो गए। तो वही चीज आती है कि हम जब भी किसी से डिस्कस करते तो उससे हमेशा डायरेक्ट पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि तुम्हारे कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, जिससे हमें पूरा एक ही बार में सब कुछ मिल जाए। यही हाल केमिस्ट्री की रिएक्शंस का भी है। हम बात करते हैं सीधा कि कितना परसेंटेज डिकम्पोजिशन हुआ है, तो वही हमारे लिए क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस डिसोशिएट अमाउंट है जो ये बताता है वन मोल पे कितना हो रहा है, और परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो अमाउंट है जो बताता है कि 100 मोल पे कितना हुआ है। तो समझ में आ रहा है, तो अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस शो द डिसोशिएट मोल एट वन मोल ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस। तो ये हमारे लिए हो गया अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू एक तरह से क्या हो जाएगी, हमारे पास डिसोशिएट मोल डिवाइडेड बाय गिवन मोल, ये हो गया हमारे पास अल्फा। और परसेंटेज अल्फा क्या होता है हमारे पास, वो है हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बाय 100। ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। यानी एक डिसोशिएट मोल बता रहा है एक पर, और दूसरा कंडीशंस बता रहा है डिसोशिएट मोल एट 100 मोल। बिल्कुल, जब हमारे पास पहले से ही डिसोशिएट मोल एक कंसेप्ट था तो हमने एक और कंसेप्ट क्यों लिया, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है। बस यही मान लीजिए सब्जेक्ट को बड़ा करना है, कैसे करें, दूसरा पॉइंट हम इसको कैसे यूज करेंगे। देखो बहुत आसान है, देखिए अगर कभी भी इससे पहले हम कोई रिएक्शन पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे, हमारे पास केस स्टडी क्या होता था, हमारे पास होता था ए माइनस ए कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस सी में, किस में कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस सी में। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और ये सी इनके बैलेंसिंग कोफिशियंट है, ठीक है। और इसके इनिशियल मोल आपको दे रखे हैं, इसके इनिशियल मोल दे रखे हैं आपको इस जगह n 0 0, यही होता था। हम क्या करते थे, t इक्वल टू 0 पर दिया होता था मोल, हम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर क्या करते थे, ये हमें a के मोल दिए हुए हैं, हम क्या करते थे जो गिवन मोल है उसमें से ax माइनस करते थे, यहां बी एक्स करते थे, और यहां क्या करते थे सी एक्स, ये हम करते थे। इसके एक्स मोल खत्म होंगे तो इसके कितने बनेंगे बी एक्स, और इसके कितने बनेंगे सी एक्स। अब हमारा जो नया कंसेप्ट से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उससे हमारे पास क्या होगा, हम जानते हैं अल्फा की वैल्यू क्या होगी ए एक्स, जो डिसोशिएट मोल हो रहे हैं, गिवन मोल कितने हो रहे हैं हमारे पास एन ए। तो हमारे लिए एक तरह से ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा एन ए, ये हमारे पास ए एक्स की वैल्यू होगी। तो वही चीज हम यहां रख देते हैं, एंड एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी अल्फा एन ए डिवाइडेड बाय ए। तो ये हमारे पास कंसेप्ट हुआ।
आसान भाषा में अगर आपको इसको लिखना है तो आप कैसे करेंगे, जब भी आपको अल्फा के टर्म में क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना है तो आप एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए यहाँ ट्वाइस ए थ्री बी प्लस फोर सी के कुछ दिया गया है और आप अल्फा की टर्म में यूज करना चाहते हैं और शुरुआत में इसके ए मोल दिए हैं, जीरो जीरो, दो टर्म में आप कर सकते हो टी इक्वल टू जीरो पर। अब बात आता है टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर या आप टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर। पहले वाला मेथड था ए माइनस टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स, यहां डिसोशिएट मोल क्या है टू एक्स, समझ में आ रहा है। यहां जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में लिखते हैं तो सीधा सीधा लिख लो ए माइनस ए अल्फा, मत दिमाग लगाओ कि कॉफिशियंट क्या है, कुछ भी कॉफिशियंट हो, टू हो या थ्री हो या फोर हो, ए माइनस ए अल्फा। फिर यहां पर भी ए अल्फा लिख दो, जो इसके डिसोशिएट हो रहे हैं वो इसको बना रहे हैं। तो बताइए इसके दो मोल कितने बना रहे हैं, तीन, तो ए अल्फा कितने बनाएंगे, ए अल्फा मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय टू। तो बस ऐसे ही करते हैं हम, ए अल्फा जिसके मोल निकाल रहे हैं उसका कॉफिशियंट ऊपर और जिसके ए अल्फा डिसोशिएट हुए हैं उसका कॉफिशियंट नीचे, इस तरह से हम करेंगे। एक और एग्जांपल, ये मोल आ गए, क्या मोल आते ही आपका काम चल गया, नहीं, हम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी करेंगे। ए माइनस ए अल्फा डिवाइडेड बाय वी, थ्री ए अल्फा बाय टू, टू ए अल्फा और उसके बाद वी भी डिवाइड होगा और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर आप अल्फा की टर्म में लिख रहे हैं तो थ्री ए अल्फा बाय टू पावर थ्री, टू ए अल्फा बाय टू पावर फोर, ए माइनस ए अल्फा बाय वी पावर टू, ये हमारे पास आ जाएगा, यहां वी है, ये हमारे पास आ जाएगा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सीधा सीधा अल्फा की टर्म में। तो कोई बात ज्यादा टफ नहीं है, देखिए ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या कह रहा है इसके अंदर, इन ए टू लीटर कंटेनर थ्री मोल ऑफ ए प्रेजेंट एंड इफ 20% डिकम्पोज एज फॉलोइंग रिएक्शंस, टू ए कन्वर्ट बी प्लस थ्री जी, फाइंड के सी। तो हमें यहाँ पर केसी पूछा जा रहा है, सबसे पहला काम जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास दिमाग में क्या रहेगा, इक्वेशंस ट्वाइस ए कन्वर्ट बी प्लस थ्री सी लिख दो, सही है। अब आपको नहीं मालूम अल्फा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, आप पुराने कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। टी इक्वल टू जीरो पर क्या लिखेंगे आप, जल्दी से बताएं, यहाँ पर थ्री मोल जीरो जीरो, फिर क्या लिखते हैं थ्री माइनस टू एक्स एक्स और क्या लिखेंगे थ्री एक्स, बिल्कुल सही है। अब ये बताइए डिकम्पोज मोल कितने हैं, डिकम्पोज कितने हुए हैं 20%, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 3 का 20% कितना है, ये हमारे पास आएगा 6 बाय 10 0.6, तो हमारे पास 0.6 मोल खत्म हो गए, हो जाने दो, ठीक है। अब इसका मतलब हमारे पास 2x की वैल्यू कितनी है 0.6, तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी 0.3, हमने x की वैल्यू निकाल दी, वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे ही हम x की वैल्यू यहां पर रखेंगे 3 माइनस 0.6 0.3 0.9, ये हो गया t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे मोल। अब बताइए t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर आप मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करना चाहते हैं तो कोई आपको मना थोड़ी ना करेगा, 3 माइनस 0.6 कितना हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय कितने लीटर दे रखा है कंटेनर का 2, फिर आगे कितना दे रखा है 0.3 डिवाइडेड बाय 2, 0.9 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा। और इसके बाद आप क्या निकाल लेंगे केसी, केसी की वैल्यू क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट विद सुइटेबल पावर, तो यहां बी के ऊपर पावर वन आएगी, यहां थ्री आएगी और यहां पर टू आएगी,
यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर की पावर 4, मोल पर लीटर की पावर 2, तो रिजल्टेंट यूनिट क्या बनेगी, मोल पर लीटर पावर 2। तो बहुत आसान है इन चीजों को पकड़ना, लेकिन एक मिनट और ध्यान से सुने, अगर यही क्वेश्चन अल्फा में करना है तो सेकंड सॉल्यूशंस, कैसे करेंगे, पहले रिएक्शंस ट्वाइस ए कन्वर्ट बी प्लस 3C। आपको क्या लिखना है, आपको याद है मैंने क्या लिखा था, ए माइनस ए अल्फा, तो पहले तो आप लिख लीजिए 300, 3 माइनस 3 अल्फा, सिंपल ए माइनस ए अल्फा फॉर्मेट रट लो, 3 माइनस 3 अल्फा। अब इसका कितना यूज कंज्यूम है, 3 अल्फा, यहाँ कोफिशियंट का रोल नहीं है लेकिन इसका रोल यहाँ आएगा, कितना बनेगा 3 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ कितना बनेगा 3 अल्फा 3/2, और अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 20% यानी 0.2, तो 0.2 रखते ही 3 माइनस 0.6, 0.2 रखते ये क्रॉस हुआ, कितना बचेगा ये 0.2 है आपके पास, तो ये 0.2 से 2 यानी 0.3 बचेगा, और यहां पॉइंट अल्फा है, ये ध्यान रखना अल्फा से ये कटेगा और ये 0.9, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.4, 0.3, 0.9, टी इक्वल टू 0 पर मोल है, लेकिन आपकी आदत क्या है टी इक्वल टू 0 पर मोल पर लीटर में बात करने की, तो 2.4 डिवाइडेड बाय 2, 0.3 डिवाइडेड बाय 2, 0.9 डिवाइडेड बाय 2, और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, 0.9 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 2.4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, और यूनिट वही बनेगी मोल पर लीटर का स्क्वायर, क्योंकि मोल पर लीटर की पावर 1, मोल पर लीटर की पावर 3, तो 4 हो गया डिवाइडेड बाय 2, तो काम वही आंसर आ रहा है, आप देख लीजिए बिल्कुल वही आ रहा है, कोई अंतर नहीं है, तो भले ही करने का तरीका अलग हो बेसिक कंसेप्ट दोनों के पीछे एक ही है। लिखें इसको, देखिए आपने अभी मेरे से समझाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है, लेकिन क्या हो जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, तब हम अल्फा का कंसेप्ट कैसे करेंगे, तो कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आगे इसी के अंदर, इन केस व्हेन मोर देन वन रिएजेंट आर प्रेजेंट, रिएक्टेंट बोल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, रिएक्टेंट आर प्रेजेंट। देखिए चॉइस हो जाती है हमेशा, चॉइस कब होती है जब एक से ज़्यादा आपके पास हो, सिंगल हो तो फिर कोई चॉइस है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर भी एक से ज़्यादा वाली कंडीशन हो रही है, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे, उसको सेलेक्ट करोगे या उस पर डिफाइन करोगे जो लिमिटिंग रिएजेंट है, समझ में आ रहा है, यानी जो कम क्वांटिटी में है एक तरह से देखा जाए, तो यहाँ सबसे पहला कंसेप्ट ये लगेगा, इन दिस कंसेप्ट अल्फा डिफाइन ऑन LR लिमिटिंग रिएजेंट, तो आपको पहले LR डिफाइन करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा और उसी पे अल्फा डिफाइन होगा, ठीक है, तो इन दिस कंसेप्ट अल्फा डिफाइन ऑन LR, एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है जिसमें आपके पास मैं कोई ऐसी एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ जिसमें LR पहले निकालना आपके लिए जरूरी है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, क्या लिया मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया NH3 4 अमोनिया डिकम्पोज या रिएक्शन विद दिस 4NO प्लस H2O, ये रिएक्शन है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये गैस है और ये गैस दी गई है और इनमें रिवर्सिबिलिटी दिखाई गई है, तो यहाँ पहले तो सबसे पहले इसको क्रॉस करो क्योंकि लिक्विड को हम कंसीडर नहीं कर रहे होते, हमें यहाँ पर दिए हुए हैं दोनों के 10-10 मोल,
सपोज 10 मोल दिया गया है और यहां पर भी 10 मोल दिया गया है, और अल्फा दिया है हमारे को 10%। फाइंड करना है आपको केसी, इफ वॉल्यूम दिया गया है 10 लीटर। ये सारा क्वेश्चन हो गया, यानी आपके पास अल्फा दिया है, फाइंड केसी इफ वॉल्यूम दिस। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस? सबसे पहला काम होता है रिएक्शंस को लिखने का। 4NH3 प्लस 5O2 कन्वर्ट 4NO प्लस 6H2O, ये हो गया हमारा काम। टी इक्वल टू जीरो पर आपको क्वांटिटी क्या दी गई है, जल्दी से बोलो। 10 10, अल्फा कितना दिया है जल्दी से बताओ। 10%, 10% का मतलब 0.1। तो मैंने आपको यही कहा है सी माइनस सी अल्फा करो बिना दिमाग लगाए, लेकिन किसके लिए दिमाग नहीं लगाना, जो मेन सब्सटेंस है। तो पहले बताइए इसमें एल आर कौन है, दिस और दिस, ये एल आर है क्योंकि ये पहले खत्म होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। एल आर का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा 2.5, ये आएगा 2। मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू जिसके लिए कम होती है वही एल आर होता है, तो ये क्या हो जाएगा ई आर। तो अल्फा किसके लिए डिफाइन होगा, एल आर के लिए। तो इसके लिए सीधा लिख दो 10 माइनस 10 अल्फा, ए माइनस ए अल्फा, यही करते हैं। बाकी के लिए क्या करेंगे, ए माइनस ए अल्फा जो उसका डिकम्पोज है डिवाइडेड बाय कॉफिशियंट ऑफ दिस 4 बाय 5, ऐसे चलेंगे। यहां कितना दिया गया है 0, ये तो लिक्विड है इसको करना नहीं है। तो यहां आपके पास कितना हो जाएगा, 10 अल्फा तो हो गया, 10 अल्फा तो लिखना ही है, उसके अलावा क्या लिखना है, 4 बाय 5 बस। तो आप अल्फा की वैल्यू रख दो, 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.1 है आपके पास अल्फा की वैल्यू, समझ में आ रहा है? तो 0.1 को जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, तो 4 बाई 5, 10% डिकम्पोज हो गया, तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, या 0.8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, सही करें। और यहां आपके पास कितना हो जाएगा 10 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा 1 हो ही गया, तो 4 बाय 5। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये जल्दी से, 0.8 ये हुआ तो 9.29, और ये 0.8, ये आपके पास हुआ है टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर मोल। पहले तो ये समझिए आपको मिला क्या है, मोल मिले। अब आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन। कैसे निकलेगी कंसंट्रेशन, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो 9.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है कंटेनर, वो दिया है आपको 10 लीटर। नहीं दिया होता तो फिर हम सोचते क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट रहता, लेकिन फिर बाय डिफॉल्ट कई बार हम 1 मान के ही देखते हैं, ये मानते हुए कि एग्जामिनर ने कोई गलती छोड़ दी है, या कोई और तरीके से वॉल्यूम पहले निकाल लेना। तो 9.2 डिवाइडेड बाय 10, 9 डिवाइडेड बाय 10 और 0.8 डिवाइडेड बाय 10। तो आपके पास केसी की वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 0.8 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4, 9.2 डिवाइडेड बाय 10 पावर 4, 9 डिवाइडेड बाय 10 पावर 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और यहां जो यूनिट बनेगी वो बनेगी मोल पर लीटर, 4 माइनस 9 यानी कि -5, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल। तो ये चीज आपको करना है, लिखिए इसको। तो हम बात करते हैं वेपर डेंसिटी एंड अल्फा में रिलेशंस। तो हेडिंग डलेगा, ये सारे टर्म्स हमें पढ़ना है, वेपर डेंसिटी अल्फा में क्या रिलेशंस होगा। अल्फा जानते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वेपर डेंसिटी जानते हो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो हेडिंग डाल दीजिए रिलेशंस
बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। वेपर डेंसिटी मैं आपको मोल में बता चुका हूँ, मोल कॉन्सेप्ट में, कि देखिए वेपर डेंसिटी हमारे लिए क्या होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2 होता है, जबकि अल्फा मैंने यही आपको बताया, अल्फा क्या होता है, डिसोशिएट मोल डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल, इनिशियल गिवन मोल। इन दोनों में मेरे को रिलेशंस बनाना है, क्या डेंसिटी हो वेपर डेंसिटी हो, कहीं ना कहीं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के होता है। तो मैं आपके साथ थर्ड पॉइंट आ रहा हूं कि कहां हम बात कर रहे हैं वेपर डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनेट होगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एक क्लोज कंटेनर में मास कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास तो कांस्टेंट हो गया, किसके रहा, वॉल्यूम के, और वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल के, तो वेपर डेंसिटी मोल के प्रोपोर्शनेट है। या मैं आसान भाषा में बोलूं तो ऐसे होगा, अगर वेपर डेंसिटी को आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी वन अपॉन डी टू, तो ये आ जाएगा एन टू अपॉन एन वन, क्योंकि मोल को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनवर्सली जा रहा है, समझ में आ रही है। लेकिन तब होगा ये रिलेशन जब क्लोज कंटेनर हो, क्लोज कंटेनर, ना तो गैस बाहर जा रही हो ना आ रही हो, बस डिकम्पोज हो रही हो आपस में। दूसरी तरफ हम इसको कैसे यूज करेंगे, इसको देखते हैं, करें शुरू। तो रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं हम, रिलेशंस ले रहे हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इन केस ऑफ डिसोसिएशंस, इन केस ऑफ डिसोसिएशंस, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर कोई केस हमारा डिसोसिएशन का है तो हम उस वक्त कैसे देखते हैं, इन केस ऑफ डिसोसिएशन यानी कि मोल डिसोशिएट हो रहे हैं, तो हमारे पास कोई एक कंपाउंड है जो डिसोशिएट हो रहा है और इस तरह से डिसोशिएट हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक काम की बात हमेशा ध्यान रखना, यहां हम हमेशा क्योंकि अल्फा के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या यहां पर कोई भी कॉफिशियंट हो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, पहली चीज। तो मैं हमेशा यहां पर कॉफिशियंट क्या बनाऊंगा, वन, मेरे लिए रिलेशन बनाना आसान होगा। अल्फा की टर्म में कभी भी कॉफिशियंट का, रिएक्टेड के कॉफिशियंट का फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप कोशिश यही करो कि यहां पर कॉफिशियंट क्या बने आपका, वन, ठीक है। अगर यहां टू होता तो पूरी इक्वेशन में टू डिवाइड करते, थ्री होता तो थ्री डिवाइड करते, तो जो डिवाइड करने के बाद बन रहा है वो यहां पर एन आ जाएगा, पहला काम हो गया। मैंने क्या बोला, ध्यान रखना, जिस रिएक्टेंट के लिए हम बात कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट क्या होगा, वन। दूसरा पॉइंट, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, की पॉइंट में लिख सकते हैं आप। थर्ड पॉइंट, इसको डेराइव कैसे करेंगे, तो मान लीजिए आपके पास इसका वन मोल ही है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए भी लेते तो भी वही रिलेशन बनता, तो वन मान लो आप, तो यहां वन है तो ये कितना बनेगा, वन जीरो, तो यहां होगा वन माइनस अल्फा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने वन माना है, तो ये क्या बन जाएगा, एन अल्फा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय एन बाय वन, कितना इजी है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट बन गया। दस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर, वेपर डेंसिटी में रिलेशंस बताइए, एन मोल कितने, एन यानी मोल टोटल कितने रहेंगे शुरुआत में, वन, और अब कितने, वन प्लस अल्फा एन माइनस वन, इन सबको ऐड कर दिया ये मोल रहेंगे। तो क्या आप जानते हो डेंसिटी इनिशियल और डेंसिटी फाइनल का रेशियो क्या होगा, एन फाइनल अपॉन एन इनिशियल, ये अपन पहले ही बना चुके हैं। मैंने क्या करा, बड़ी समझदारी दिखाई कि इनिशियल डेंसिटी को कैपिटल डी और फाइनल डेंसिटी को
स्मॉल डी ले लिया। फाइनल डेंसिटी का मतलब सीधा सीधा है डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम। तो ये फाइनल डेंसिटी का मतलब आ गया इक्विलिब्रियम डेंसिटी। तो जब ये इक्विलिब्रियम डेंसिटी है तो आप ही बताइए, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ने कैपिटल डी स्मॉल डी लिख दिया। तो फाइनल मोल कितने हैं? 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, और इनिशियल मोल कितने हैं? 1। तो आप इस जगह अल्फा एन माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस 1, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस जगह? अगर अल्फा तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी एन माइनस 1। ये आपके पास रिलेशन हो जाएगा वेयर अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डी ओ डी, स्मॉल डी क्या है और कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी इनिशियल वेपर डेंसिटी और स्मॉल डी क्या है इक्विलिब्रियम डेंसिटी वेपर डेंसिटी। और एक और खास बात, एन क्या है एक तरह से, एन शोथ द प्रोड्यूस मोल बाय वन, एन शो प्रोड्यूस मोल बाय वन। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन कंसेप्ट है जो आपको यूज करना आना चाहिए, लिख लीजिए इसको। तो यहां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सोचो कि अगर यहां मैंने क्या समझदारी करी, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, अगर हाँ एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट नहीं हो सकते लेकिन एक से ज्यादा प्रोडक्ट तो हो सकते हैं, बिल्कुल। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो कैसे करेंगे उस जगह? तो वो कॉन्सेप्ट आएगा हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट में। क्या है पहले तो, मोर देन, इन केस ऑफ मोर देन वन रिएजेंट, इन केस ऑफ मोर देन वन रिएजेंट अबव कॉन्सेप्ट्स नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। दूसरा सेकेंड पॉइंट है, इन केस व्हेन मोर देन वन प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, लिखे मेरे साथ ही आर प्रेजेंट, देन कैसे लिखना है हमें, देन कैसे, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा ये चीज। जैसे आपके पास सपोज ट्वाइस ए है, कन्वर्ट हो रहा है 3b प्लस 4c प्लस 5d में, सपोज ऐसा कुछ हो रहा है। ये गैस है, इसका गैस होना बहुत जरूरी है, और ये आपको लिक्विड दिया है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला काम तो लिक्विड वालों को क्रॉस कर दो, क्या कर दो, लिक्विड वालों को क्रॉस कर दो, और फिर इसको ऐसे लिखो रिएक्टेंट कन्वर्ट प्रोडक्ट, P4 प्रोडक्ट, 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट 7 मोल ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे समझो, एक साथ सारे प्रोडक्ट को लिख लो गैसियस मोल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस 4, क्योंकि सब गैस है, बनाना तो वही है, रिलेशन ही तो बनाना है हमारे को, भले वो बी के हो सकता है सातों के सात मोल बन रहे हैं ना, 2 मोल, 7 मोल, 2 मोल, 7 मोल जनरेट बाय 2 मोल, अब वो बी के बने या सी के बने या ओनली बी के बने या ओनली सी के बने, कोई मतलब ही नहीं है, अपन ने एक साथ लिख दिया पी के प्रोडक्ट। और अब इसको ऐसे लिखो आर कन्वर्ट 7 बाई 2 पी, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने यहां पर भी कहा था इसका कॉफिशियंट क्या होना चाहिए 1। कैलकुलेशंस करना आसान होता है। अब आप आराम से फॉर्मूला लगा दो, अल्फा की वैल्यू क्या होगी इस जगह, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन
स्मॉल डी एन माइनस वन, यानी 7/2 माइनस वन, बस ये होगा, खत्म, काम ही खत्म। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर क्या हमें स्मॉल डी और कैपिटल डी दिया जाएगा? तो जहां तक बात आ रही है स्मॉल डी, बिल्कुल गिवन इन क्वेश्चंस, यहां लिख लो क्वेश्चन में गिवन होगा, स्मॉल डी गिवन होगा, लेकिन कैपिटल डी कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका ए का मोलर मास आप जानते हो, जानते हो नहीं जानते, ए कुछ भी हो सकता है। तो जब ए अमोनिया लिखा है तो मोलर मास कितना हो गया? 17 हो गया। तो क्या आप शुरुआत में ये तो होंगे नहीं, तो जो 17 मोलर मास है, वेपर डेंसिटी मिल गई आपको 17 बाय क्या करोगे आप 2, बस 8.5। तो जब आपको कैपिटल डी मालूम है तो क्यों देगा वो? तो यही आपको करना है, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, और इफ अमोनिया NH3 डीकंपोज इन N2 एंड H2, N2 एंड H2 में डीकंपोज हो रहा है, फाइंड अल्फा इफ वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज, ये दी गई है हमारे को, इस 6, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 6 दिया गया है वेपर डेंसिटी। तो सबसे पहले यहां हमें क्या किसी और टर्म की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशंस। अब अमोनिया को ऐसे लिखेंगे NH3 डीकंपोज N2 प्लस 3/2 H2, क्या ये बैलेंस है? हाँ। क्या अमोनिया का कॉफिशियंट 1 है? हाँ। ये दो चीजें देखना जरूरी है कि जिसका डिकम्पोज है उसका कॉफिशियंट 1 हो, उसके अकॉर्डिंग फिर आप बैलेंस करो और रिवर्सिबल हो, ठीक है? तो बस अब आपके लिए हो गया अल्फा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन डी एन माइनस वन। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? इसको ऐसे लिख लो आप, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? 1/2 और 3/2 का मतलब कितना हुआ? 4/2। 4/2 का मतलब 2 प्रोडक्ट, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इन 2 प्रोडक्ट, तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो जब एन की वैल्यू 2 हो गई तो यहां पर 2 माइनस 1 हो गया। क्या आपको कैपिटल डी मालूम है? हाँ, अमोनिया का मोलर मास 17 डिवाइडेड बाय 2, 8.5। क्या आपको स्मॉल डी मालूम है? हाँ, 6। तो अल्फा क्या होगा? 8.5 माइनस 6 अपॉन 6, 2 माइनस 1 यानी 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 डिवाइडेड बाय 6, ये आपके पास आ जाएगा अल्फा। ये आपके पास क्या आया? अल्फा। परसेंटेज अल्फा कितना होगा? 2.5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज अल्फा हो जाएगा, यानी 250/6। तो यहां करना बहुत आसान है। देखिए, हमने अल्फा के बारे में डिस्कस करा, लेकिन अभी तक हमने ये डिस्कस किया था कि एक रिएजेंट हो, फिर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो नहीं लगेगा, एक प्रोडक्ट हो चलेगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं क्या होगा जब एसोसिएशन हो। एसोसिएशन का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होके कम मॉलिक्यूल की तरफ जा रहे हैं, यानी दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल बना रहा है, लेकिन जो दो मॉलिक्यूल है यानी टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल जब एसोसिएट हो तो वो सेम कंपाउंड के हो, अलग अलग रिएजेंट ना हो, अलग अलग कंपाउंड ना हो, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल समझने से पहले हेडिंग तो डाल लीजिए,
रिलेशंस बिटवीन अल्फा एंड वेपर डेंसिटी इन केस ऑफ एसोसिएशंस, इन केस ऑफ एसोसिएशन। अगर एसोसिएशंस के केस में हमें देखना है तो हम कैसे सोचते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन केस ऑफ एसोसिएशंस करूं मैं यहां पर, इन केस ऑफ एसोसिएशन यानी अब आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है कि एन मॉलिक्यूल मिलके एसोसिएट हो रहे हैं, एक पॉलीमर बन रहा है। पॉलीमर का मतलब बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये हमारे पास हो रहा है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि हमेशा कोफिशिएंट वन बनाओ, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो पूरी रिएक्शन को किससे डिवाइड कर दो, एन से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जब आपके पास ऐसा हो चुका है तो आपके पास क्या हो जाएगा, वन जीरो वन माइनस एल्फा वन बाई एन एल्फा, एन टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए एन टोटल कितना होगा। शुरुआत में वन, अब कितने हैं, वन प्लस एल्फा वन बाई एन माइनस वन। बस पहले क्या था, एन माइनस वन था, अब क्या है, वन माइनस एन माइनस वन, वन बाई एन माइनस वन। तो वैसे का वैसे ही बनेगा, कैपिटल एल्फा की वैल्यू जो आएगी वो, सॉरी, एल्फा की वैल्यू आएगी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी वन बाई एन माइनस वन। तो बहुत आसान हो गया, सेम कॉन्सेप्ट्स, बस वन बाई एन। अब ये कहेंगे कि सर पहले सही था अब गलत है, कैसे, क्योंकि एन की वैल्यू एक से बड़ी है या नहीं है, एन की वैल्यू है तो ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव, अपने आप में नेगेटिव है, और अल्फा नेगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नीचे वाली नेगेटिव है तो ऊपर वाली वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव। इससे साफ पता चल रहा है कॉन्सेप्ट्स एक और आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, वो ये है कि नीचे वाली वैल्यू यानी अपने आप में नेगेटिव है बॉटम में, तो ऊपर भी नेगेटिव होगी। तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी नेगेटिव होगा, और अगर ऐसा तभी हो सकता है जब डी की वैल्यू छोटी हो, यानी समय के साथ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी समय के साथ, और जैसे जैसे डी बढ़ता जाएगा रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी, और ये इक्विलिब्रियम वाला डी हमेशा स्मॉल डी से ज्यादा होगा। कब, जब जब एसोसिएशन हो रहा है, और जब डिसोसिएशन होगा तब छोटा हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ जाती है आपको बहुत अच्छे से, की पॉइंट, फिर की पॉइंट जो आपने दोनों पॉइंट पढ़े, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्या पढ़ा है इसमें, इसमें कैपिटल डी जो कि और स्मॉल डी में, और यहां कैपिटल डी और स्मॉल डी में ये रिलेशन है। बस फॉर्मूले में या इक्वेशन में कितने ही प्रोडक्ट हो चलेगा, लेकिन रिएक्टेंट एक होना चाहिए इस कंसेप्ट में, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं। जितने भी सॉलिड लिक्विड है उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा, इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है। हेडिंग डालेगा हमारा रिलेशंस बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। यहां हम दो केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट जब आपके पास कोई भी इक्विलिब्रियम है लाइक दिस, कोई भी इक्विलिब्रियम जैसे सी एस सी सी डबल ओ एच प्लस सी टू एच फाइव ओ एच, किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी एस सी सी डबल ओ सी टू एच फाइव प्लस एच टू, यहां सभी लिक्विड है, तो जब लिक्विड है तो वेपर डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट तो लगाना नहीं है मेरे को, मेरे को सिर्फ अल्फा की बात करनी है। और सब लिक्विड है तो सब लिक्विड क्रॉस हो जाएंगे, ऐसा होता है नहीं, तब होता है हम लिक्विड को क्रॉस करते थे गैस के रेस्पेक्ट में, लेकिन जब सभी लिक्विड है तो फिर कोई क्रॉसेस मत करो, आप सबको चलने दो वैसे ही। और यहां
दिया गया है आपको टी इक्वल टू जीरो पर वन वन, ये जीरो जीरो। अब आपको रिलेशंस डेराइव करना है, तो कैसे करोगे? टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर क्या लिख दोगे? वन माइनस एल्फा, वन माइनस एल्फा, ये कितना हो जाएगा? एल्फा एल्फा एल्फा। आप कहेंगे यहां पर हम ए एल ए ए ले लेते हैं, सेम मोल दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ए ए वो क्रॉस हो जाएगा। तो अब आप बताइए टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर जब डेल्टा एन जी यहां पर क्या होगा? जीरो। तो वॉल्यूम वाली टर्म लेने की जरूरत है क्या? नहीं। तो आप सीधा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? एल्फा एल्फा स्क्वायर वन माइनस एल्फा का स्क्वायर। तो इससे आपको क्या मिला? अंडर रूट के सी की वैल्यू मिल जाएगी, एल्फा अपॉन वन माइनस एल्फा। ये आ गया आपका रिलेशन के सी और एल्फा में, डायरेक्ट रिलेशन। और अगर आपको एल्फा सेपरेट करना है तो ये एल्फा नीचे माइनस कर दो, वन हो जाएगा। तो जब आप नीचे माइनस करोगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा के सी, हाँ प्लस करना पड़ेगा, अंडर रूट के सी वन प्लस अंडर रूट के सी, और ये कितना हो जाएगा? बस सिर्फ एल्फा हो जाएगा, एल्फा वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा। तो जो चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं वही हमने यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास एल्फा की वैल्यू आ गई, थोड़ी सी मैथ अच्छी है मेरी तो लगा लेता हूँ, ठीक है। एक और केस स्टडी करते हैं, फिर एक साथ लिख लीजिएगा केस टू। अगर कभी ऐसा हो रहा है जहाँ डिकम्पोज हो रहा है ट्वाइस एन एच एस सी एल, डिकम्पोज हो रहा है एच टू प्लस सी एल टू, सही है। तो पहले तो आप यहां पर क्या चाह रहे हैं? ट्वाइस एस सी एल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर टी इक्वल टू जीरो पर वन जीरो जीरो लिख दिया आपने, चलने दो। अल्फा की केस में यहां इसका क्या कोफिशियंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आ रही है बात क्लियर? बस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फर्क पड़ेगा क्योंकि पावर चेंज हो जाती है, लेकिन नॉर्मल आपको टू दिया है तो कैसे करते हैं वो दिखाना चाह रहा हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा? वन माइनस एल्फा, इसका कितना बनेगा? एल्फा बाई टू, एल्फा बाई टू, सही करा मैंने, क्योंकि इसका तो एल्फा होगा वन माइनस एल्फा, इसका एल्फा कर रहेगा तो इसका कितना हुआ? एल्फा बाई टू, एल्फा बाई टू, ऐसे करते हैं एल्फा वन बाई टू, एल्फा वन बाई टू, समझ में आ गई बात? तो अब बताइए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इस जगह? अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू का यानी स्क्वायर हो जाएगा और वन माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर? अंडर रूट के अल्फा, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू अल्फा बाई टू, तो अब आप क्या करेंगे? टू को वहां ले जाएंगे, टू के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। क्या करा जाए कि यहाँ पर अल्फा ही बच जाए, ये वाली टर्म नीचे ऐड कर दी जाए, तो अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा हो गया। वही काम यहाँ करना पड़ेगा, टू के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वन, नीचे वन था, बस ये आपके पास अल्फा आ गया। किस केस में? इस केस में लिखें इसको,